सुजानपुर के विधायक और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने मानव भारती फर्जीवाड़े को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोलन में उन्होंने कहा कि मानव भारती डिग्री फर्जीवाड़े ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को पूरी तरह से गिरा दिया है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश लज्जित भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस फर्जीवाड़े को उन्होंने कैबिनेट में प्रमुखता से कई बार उठवाया और इस मामले को उन्होंने ठंडे बस्ते में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बिठा दिया गया है, जिसका वे स्वागत करते हैं। जहाँ से ये शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को राहत प्रदान करेगा, वहीं कर्मचारी भी चैन की सांस ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े को लेकर उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। राणा ने कहा कि प्रदेश में करीब 2000 करोड़ का डिग्री फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको लेकर हिमाचल शर्मसार हुआ है। इस फर्जीवाड़े को लेकर उनके द्वारा कई बार सीबीआई और ईडी की जांच की मांग भी उठाई गई, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। अब प्रदेश सरकार ने मानव भारती में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया है, जिसका वे स्वागत करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी आने से उन विद्यार्थियों की डिग्री का भी सत्यापन होगा जिन विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में वास्तविक में शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ से डिग्री लेकर उन्होंने नौकरी भी हासिल की थी, जो अभी तक वे सभी भारी असमंजस में हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं। प्रदेश में मानव भारती विश्वविद्यालय में जो धांधलियाँ हुई, फर्जी डिग्रियाँ बेची गई और ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो है इस मामले को 10 बार जो है समाचार पत्रों के माध्यम से उठाया और अब पीछे विधानसभा में इस मामले को प्रमुखता से उठाया। विधानसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर जो है इस मसले को इसलिए उठाया कि समाचार पत्रों में लगातार ही सुर्खियां बनता रहा कि हिमाचल प्रदेश में मानव भारती विश्वविद्यालय ने लगभग 5 से 6 लाख डिग्रियाँ जो है फर्जी डिग्रियाँ बेच दी। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और ये मामला जब सुर्खियों में आया, समाचार पत्रों के माध्यम से सुर्खियां बना, हिमाचल प्रदेश की बदनामी तो हुई, परंतु जब हमने बार बार इस बात की मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी को दी जाए, क्योंकि उसका कारण था कि जो डिग्रियां हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी थी और 5 से 6 लाख डिग्रियाँ जिसको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियाँ मिल रही थी कि लगभग 2000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। और अब जो है लोगों की, जिन लोगों ने यहाँ से, जिन नौजवानों ने मानव भारती विश्वविद्यालय से हकीकत में पढ़ाई करी थी, डिग्रियाँ ली थी, उनकी नौकरियाँ खतरे में पड़ गई और उसके लिए विधानसभा में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को जब उठाया तो आज जो है 2 दिन हो गए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है एडमिनिस्ट्रेटर इस यूनिवर्सिटी का लगाया ताकि जो लोग एक्चुअली में यहाँ से पढ़ाई करके गए हैं उनकी डिग्रियाँ वेरीफाई हो सकें, ताकि उन लोगों की जो है वो जॉब जॉब सिक्योरिटी जो है वो जो खतरे में पड़ गई थी वो उसको बचाया जा सके। ये ठीक है कि सरकार ने इस और कदम उठाया और 19 मेंबरी कमेटी जो है SIT की बनाई है DGP की अध्यक्षता में, परंतु ये मामला CBI को बनता था क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और ऐसे मामलों से प्रदेश की बदनामी हो रही है। इसलिए सरकार को चाहिए था इस मामले को सीबीआई को दें, परंतु अब जो मामला है अब इसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है ताकि उन लोगों को राहत मिलेगी जो लोग इस मामले को लेकर जो है वो असमंजस में भी थे और असुरक्षित महसूस कर रहे थे।